भगवान श्री राम जी का महामंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इस शाप उद्धार पाठ को करने से करोड़ों लोग अपने दुखों, रोगों व कष्टों से मुक्त हो गए। माँ दुर्गा की कृपा से ही भगवान श्री राम का महामंत्र काम करता है, जिसका जाप करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे माँ दुर्गा का कथन है, ये उद्गार परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में शुरू हुए 2 दिवसीय दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव एवं 691 प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के पहले दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को व्यक्त किए, जिसके बाद समागम में श्रद्धालुओं के अनुभव सुनकर वहां उपस्थित डॉक्टर, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी हैरान रह गए। समागम में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं के विद्वानों, प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रभु कृपा ग्रहण की। इससे पहले परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का श्री देवी तालाब मंदिर पहुंचने पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महासचिव सुशील वर्मा गुरुदास ने कहा कि भारतीय सनातन शक्ति और संत परंपरा का पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। उत्सव की शुभ घड़ी देखो आई है, सतगुरु जी की कृपा से माने कृपा बरसाई है। 2003 में सिद्धपीठ शक्तिपीठ छतरपुर मंदिर मार्कंडे भवन, जहां मां भगवती का महाआलोक पूरा विश्व जानता है, प्रारंभ हुआ था। और
निश्चित रूप से अद्भुत महायोग हुआ जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का प्रागट्य दिवस 22 जनवरी आया। 22 जनवरी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रागट्य दिवस पर 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला विराजे, प्राण प्रतिष्ठित हुए। और ये भी इस युग का बहुत अद्भुत आलोक है, क्योंकि दुख अंधकार है। श्री गुरु मैखाना महाग्रंथ जी महाराज में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 12 वर्ष की आयु में रचा। निश्चित रूप से आप समझिए कि 23 फरवरी 2003 को दिव्य बीज मंत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने प्रदान किए, वो अद्भुत पैमाना प्रदान किया। लेकिन उसकी जो एक कल्पना है, कल्पना ना कहिए, एक आलोक है, वो 12 वर्ष में रच दिया था। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे महापुरुष को जिनके विषय में क्या कहा जाए, शब्द नहीं है, जिनकी सेवा के विषय में, जिनकी विद्वता के विषय में, जिनकी विनम्रता के विषय में क्या कहा जाए। सिद्धपीठ शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रधान, दैनिक सवेरा जो प्रमुख समाचार पत्र है उसके प्रधान संपादक, प्रमुख समाज सेवी, बहुत कुछ कहा जा सकता है इन महापुरुष के बारे में। तो मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री शीतल विज जी, इस पावन महा ऊर्जावान स्थान की ओर से, पावन जालंधर की ओर से, पावन पंजाब की ओर से, पावन भारत की ओर से, पावन विश्व की ओर से, परमादरणीय श्री शीतल विज जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं रोज पाठ करता था और 5 साल पाठ करता था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो करते करते मैंने कहा ये क्योंकि मैं पहले नहीं मानता था दुर्गा माता को, पाठ पूजा को नहीं मानता था, संकट आ गया, पीड़ा आ गई। तो एक बड़े संत बात होता है, कहता आप दुर्गा सप्तशती का उत्कीर्ण निष्कीर्ण पाठ करो। तो मैं वो क्या होता है, कहता है लिखा हुआ देखा तो नजर आए, वो क्या कहते तो अंतर ध्यान हो गया। फिर मुझे 10 साल लगे, सबसे पूछा ब्राह्मण, कहते हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस आते हैं पाठ कर देते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते एक रात तो मैं कहा माता जी, दुर्गा माता जी, हमें पता नहीं लग रहा है क्या उत्कीर्ण क्या है, परिहार क्या है, प्रज्ञा क्या है, आरोह अवरोह क्या है इसका। सुबह में उठा तो उठते ही अचानक मैं पाठ करते करते सो गया, दुर्गा सप्तशती बेड पे रहेगी। तो जैसे मैंने खुला तो वो पेज खुल गया जिसमें उत्कीर्ण निष्कीर्ण सबों द्वारा लिखा हुआ था, वो अपने आप ही खुल गया। अद्भुत।
ऐसी दुर्गा माँ अपनी कृपा करती है, तो वो मैं कल आपको दूंगा। कल आप आसन नया लगा के बैठना और शुद्ध होके वो जो मिरेकल विवास है, थोड़ा जल में भी डाल लेना, जल से भी स्नान कर लेना, हाथ से भी कर लेना। अपने जब भी बैठो अपने अंगों को, गुप्तांगों को जरूर उसमें एक ढक्कन डाल देना और जल डाल देना गिलास, बस उसी से पवित्र हो जाएगा।